तो वो दोनों बच्चे देख नहीं सकते हैं हम, मतलब जितना मतलब मेरे पापा या मेरी मम्मा, तो कोई दिक्कत नहीं, बोला हिम्मत बढ़ाओ अपने, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प बताओ ना जनता को, इस बच्चों का इलाज इंडिया में नहीं हो सकता बढ़िया, बोलो विदेश में हो सकता है, इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। अपनी हिम्मत रख के थोड़ा बोलो, आप कमाल कर रही हो तुम, हिम्मत रखो, हिम्मत बोलो बोलो, हिम्मत रखो। जैसे कि आप जानते हो कि वो मेरे दोनों भाई बहन देख नहीं सकते हैं, पर मेरे भाई का बहुत मन करता है कि वो भी ये दुनिया देखे सबको। लेकिन कुछ ऐसे हीरोज हैं दुनिया में जो दूसरों की हेल्प करके उनको दुनिया दिखा देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पापा तो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर और ज़्यादा बढ़िया, बोलो 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 बोलो। विदेश मेरा में इसका इलाज है, इसकी मशीन लगती है आई आईज के अंदर, उससे बच्चे को। बट ना, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चला है कि मेरे भाई बहन, अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे होंगे तो वो उनको कोई आई है जो लग सकती है बायोनिक आई, तो सच में हीरो है, मतलब रियल लाइफ हीरोज हैं। जैसे कि आप देख रहे हो सोनू सूद सर को, इन्होंने बहुत, आज मैं उनके घर के बाहर आई हूँ। हेलो गाइस, आज आज हम मुंबई आए थे और मैं मुंबई से बहुत बड़ी एक उम्मीद लगा के आई हुई थी कि हमने अपने लाइफ में बहुत लोगों को हंसाया है, कुछ कहीं अपनी बेइज्जती करवा के या कहीं कुछ भी बहुत कुछ किया हमने अपने लाइफ में, है ना, कि दूसरे हंस सके। जैसे कोविड में भी हमने कुछ भी किया, जैसे भी किया, हमारी बहुत लोग बेइज्जती भी करते होंगे या कुछ भी वो सोचते होंगे कि ये लोग अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, इनको तो शर्म नहीं है, फिर भी हमने लोगों को हंसाया। तो आज आप सबसे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमने तो आपको हंसा दिया, आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, उनको स्किप किया होगा, बट आज मुझे आपसे एक बहुत बड़ी हेल्प चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो कि मेरे जो भाई बहन है, मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर, जो मेरा ब्रदर है वो 18 ईयर्स का हो चुका है और जो मेरी सिस्टर है वो अभी 14 ईयर्स की है, तो वो दोनों बच्चे देख नहीं सकते हैं हम, मतलब जितना मतलब मेरे पापा या मेरी मम्मा, तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं, बोलो हिम्मत बढ़ाओ अपने, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प बताओ ना जनता को, इस बच्चों का इलाज इंडिया में नहीं हो सकता बढ़िया, बोलो विदेश में हो सकता है, इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। अपनी हिम्मत रख के थोड़ा बोलो, आप कमाल कर रही हो तुम, हिम्मत रखो, हिम्मत बोलो बोलो, हिम्मत रखो। जैसे कि आप जानते हो कि वो मेरे दोनों भाई बहन देख नहीं सकते हैं, पर मेरे भाई का बहुत मन करता है कि वो भी ये दुनिया देखे। जितनी उनकी मदद हो सकती है मेरी तरफ से, सनी की तरफ से जरूर रहती है, सनी जरूर करते हैं, बट हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं उन्हें दुनिया दिखा सकूं। लेकिन कुछ ऐसे हीरोज हैं दुनिया में जो दूसरों की हेल्प करके उनको दुनिया दिखा देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पापा तो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर और ज़्यादा बढ़िया, बोलो 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 बोलो। मेरा विदेश में इसका इलाज है, इसकी मशीन लगती है आई आईज के अंदर, उससे बच्चे को। बट ना, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चला है कि मेरे भाई बहन, अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे होंगे तो वो उनको कोई आई है जो लग सकती है बायोनिक आई, जो बहुत एक्सपेंसिव है, बट मतलब वो उससे दुनिया देख सकते हैं, कुछ ब्रेन से अटैच होती है कुछ कैसे करके, बट हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ना सनी अफोर्ड कर सकते ना हम, लेकिन हम लोगों के पास आपका साथ है, और स्पेशली जो हीरोज हैं दुनिया में, जो सच में हीरो हैं, मतलब रियल लाइफ हीरोज हैं, जैसे कि आप देख रहे हो सोनू सूद सर को, इन्होंने बहुत, आज मैं उनके घर के बाहर आई हूँ क्योंकि मैंने भी सुना है कि वो कभी भी अपने गेट से किसी को ऐसे नहीं जाने देते, तो ज़रूर हेल्प करते हैं। तो अगर इनकी वजह से, अगर मेरे बहुत सारे देखो फैंस आए हैं इनके यहाँ पे गेट पे, ऐसे उनकी फोटोज लगा के, मतलब उनको थैंक यू एक तरीके से करके गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे भी भाई बहन की एक बार हेल्प करें। तो मैं चाहती हूँ आप एक बार, अगर वो अभी नहीं मिल पाए हमें, मतलब अभी सब सो रहे होंगे, हम बस सोच रहे थे, बस पूछा किसी से और हम आ गए, कभी भी हमें हेल्प किस्मत में होगा तो ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो मैं ये चाहती हूँ आप इस वीडियो को इतना शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना कि वो वीडियो यहाँ तक पहुँच जाए किसी तरीके से, और वो हेल्प करेंगे, मुझे पता है उन्होंने कभी भी किसी को, किसी की भी रिक्वेस्ट को ऐसे उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो अगर मेरे भाई बहन अपनी आंखों से देख सकेंगे, तो मैं तो आप सबकी भी बहुत, मतलब पूरी लाइफ थैंकफुल रहूँगी, और मेरी
और मेरे पापा को सिर्फ मेरे भाई से ही उम्मीद है, एक बाप को अपने बच्चे से ही उम्मीद, बेटे से ही उम्मीद होती है कि उसका बेटा एक टाइम पे जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो वो खड़ा होगा, तो फिर वो कमाएगा। तो मेरे पापा को तो उस चीज़ की भी उम्मीद नहीं है क्योंकि मेरा भाई देख नहीं सकता और मेरे पापा बुजुर्ग भी हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो सोनू सूद सर के तक पहुँचा सकते हैं तो मिनट में मदद हो जाएगी हमारी, विदेश में उसका इलाज पॉसिबल है। क्योंकि वो जिंदगी में कुछ भी काम करे, मुझे बस एक बार, वो मुझे इतना पता है कि मुझे किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार मेरा भाई खुद दुनिया देख लेगा तो वो इतना टैलेंटेड है कि वो जिंदगी में बहुत कुछ कमा सकता है। तो मैं पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सर एक बार सुन ले और मेरे भाई बहन देख ले, तो मेरे माँ बाप की पूरी जिंदगी बन जाएगी। उसे भी दुनिया देखनी है, हम तो सब कुछ देख पा रहे हैं लेकिन वो नहीं देख पाता और ना मेरी बहन देख पाती। दोनों बच्चे ब्लाइंड हैं, बहन को 1% दिखता है। वीडियोस में आपने देखा ही होगा उनको, पर भगवान ने इतना सुंदर बना दिया, बस आखिरी सीन ली तो फिर। जिसका इलाज मैं दोबारा बोलूंगा दोस्तों विदेश में ही है, जो कि सोनू सूद सर मिनट में करवा सकते हैं सारे काम। ये वीडियो का बस एक छोटी सी हेल्प है मेरी आपसे कि हर बंदा परिवार में शेयर कर दे, हर बंदा आपके परिवार में 100 मेंबर है, 100 के 100 बंदों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे। सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपका, सिर्फ आप वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो वायरल होगी तो सर तक चली जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। इलाज वो इलाज जहाँ तक हमें पता 70-80 लाख के आसपास का इलाज है, वो कितने का भी ऊपर उनके लिए तो बड़ी बात नहीं है ना। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर आपने लाइफ में कभी भी हमारी वीडियो को शेयर ना किया हो, लेकिन प्लीज आज रिक्वेस्ट से हाथ जोड़ के कि आप प्लीज इसको शेयर जरूर करना, ताकि अगर मेरे भाई बहन ने दुनिया देख ली ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी लाइफ, मेरे पेरेंट्स जो है, चाहे मेरे पापा, मतलब वो जब उनके बच्चे पैदा हुए होंगे तो जब उनको पता लगा होगा कि वो देख नहीं सकते, आज मेरी एक नूर है, अगर उसको छोटी सी भी चोट लग जाती है तो मेरे दिल को कुछ होने लगता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरे पापा ने जब देखा होगा कि उनके दो दो बच्चे ऐसे हैं तो उनके दिल पे क्या ही बीती होगी। तो अगर वो ठीक हो जाएंगे तो शायद उनकी जो जिंदगी में जो भी उनको चाहिए होगा वो उनको मिल जाएगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सोनू सर को, अगर वो सुन रहे हैं इस बात को, अगर आप उन तक वीडियो पहुँचा दोगे तो। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो हमारी जनता है ना, इतने लोग हमारे पास हैं जो हमारी ऐसी वीडियोस को पसंद करते हैं जिससे वो हंसते हैं, तो इस वीडियो को तो ज़रूर ही शेयर कर सकते हैं सब। तो मैं यही चाहती हूँ बस कि इस वीडियो को शेयर करके सर तक पहुँचा दो। ठीक है दोस्तों, बस आपकी अब वेट करेंगे शेयर का, कि आपने बस एक बटन दबाना है, इतना काम करना है कि परिवार के जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, फैमिली ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, सब में शेयर कर देना। वीडियो को स्किप मत करना और प्लीज पूरा सुन के एक शेयर कर देना, हम पूरी जिंदगी आपको हंसाते रहेंगे पूरी जिंदगी, चाहे हम अपना तमाशा बनवा लें चाहे कुछ भी, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप बस हंसने चाहिए हो, हमें नहीं फर्क पड़ता कि हम क्या करें। बस थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर करना और सर तक पहुँचा देना, और आपकी वजह से मेरे भाई बहन इस दुनिया को देख पाएंगे ना, तो इससे भला काम अपनी लाइफ में आपको भी नहीं कर पाएंगे जो आप कर दोगे। तो ठीक है दोस्तों, आपके एक शेयर का इंतज़ार करेंगे। ना हमें पेटीएम चाहिए, ना हमें अकाउंट में कुछ चाहिए, आपका बस 1 सेकंड चाहिए वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो सोनू सूद सर तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।